कक्षा 10 एक्सरसाइज 14.1 इसका चौथा प्रश्न हम करने जा रहे हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। आइए देखते हैं, हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं। ए पार्ट है 2/3, बी पार्ट है -1.5, सी पार्ट है 15% और डी पार्ट है 0.7। तो हमें देखना है इनमें से कौन सी संख्या एक प्रायिकता नहीं हो सकती। यदि हम इसको देखें 2/3, इसका मतलब 3 में से 2 चीजें होने की संभावना, तो बहुत सारे उदाहरण इसमें हो जाएंगे। दूसरा पार्ट है -1.5। बच्चों यदि जब हमने रूल्स किए थे, इसके नियम किए थे प्रायिकता के, तब हमने कहा था कि जो प्रायिकता है वह 0 और 1 के बीच में ही हो सकती है, क्योंकि कोई चीज ना होने की संभावना है, प्रायिकता है 0, किसी चीज के पक्का होने की संभावना है 1, तो प्रायिकता जो है वो 0 और 1 इनके बीच बीच में होगी। लेकिन ये संख्या है माइनस, यानी कि ये 0 से नीचे है, तो यह तो संभव है ए पार्ट। अगर हम बी पार्ट की बात करें तो यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है, क्योंकि प्रायिकता 0 से छोटी नहीं हो सकती। सी पार्ट है 15%, यदि हम 15% को भिन्न में लिखे तो यह बन गया 15/100। ये भी हो सकता है कि मान लीजिए किसी क्लास में 100 बच्चे हैं, जिनमें से 15 किसी टेस्ट में पास हो गए, तो हम बोले कि बच्चे एक बच्चे के पास हो, एक बच्चे को छांटा जाए तो उसके पास होने की प्रायिकता क्या है, वो हो जाएगी 15/100। यह भी संभव है। इसी प्रकार से डी पार्ट, यह है 0.7, यदि इसको हम भिन्न में बदले तो यह बन गया 7/10। तो यह भी संभव है, किसी ना किसी घटना में 7/10 प्रायिकता का आना मुमकिन है, इसका मतलब यह भी संभव है। तो इस प्रश्न में से हमें ढूंढना था कि कौन सी प्रायिकता संभव नहीं है, वह है बी पार्ट, और यह संभव इसलिए नहीं है क्योंकि इसके साथ माइनस लगा है, और हमें पता है रूल्स के मुताबिक प्रायिकता माइनस में नहीं हो सकती। तो यही इस प्रश्न का उत्तर है।